हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ नूपर हैक चैलेंज। और गाइस, आज के दिन हम लोग खेल रहे हैं वुड टर्निंग 3डी। इंटरेस्टिंग गेम है। हां भैया, ये इंटरेस्टिंग गेम है क्योंकि भैया आज हम लोग वुड के थ्रू आज कई अलग अलग टाइप की चीजें बनाने वाले हैं। जैसे कि भैया कुछ भी बना सकते हैं, जैसे गाड़ी, पेंसिल और भी बहुत कुछ। तो चलो गाइस, देखते हैं कि आज गेम में कौन होता है लूप, कौन बनता है प्रो और कौन होता है आज का हैकर। और दोस्तों, ये भी बताने में से आप सब लोग कौन हो। अगर दोस्तों प्रो हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस, अगर हैकर हो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर देना। आहो, और प्यारा दोस्तों अगर गॉड हो सभी लोग प्यारा प्यारा कॉमेंट भी कर देना। हिचका, चलो अभी गेम में गॉड बना जाए। ओए तू क्या गॉड बनेगा, निकल यहाँ से पिद्दी कहीं के। चलिए पहले आइसक्रीम ड्रॉ कर। आइसक्रीम ड्रॉ करना है कि इसको बनाना है। ओए मतलब क्या करना है वैसे? ए भैया, इसको बनाना है लेकिन भैया आइसक्रीम को रियल में नहीं बनाना, इसको भैया वुड का बनाना है। ओ, बन जाएगा। होगे बहुत ही बारीकी से बनाऊंगा मैं। ठीक है बाप, संभाल के पूरी वुड बत काट देना। आओगे मेरे तुम काबिलियत देख के हैरान हो जाओगे। क्यों वो पहले कारपेंटर था क्या? आओ ज्यादा मत बोल, आइसक्रीम देख। मुन्ना, ये किसी एंगल से आइसक्रीम तो नहीं लग रही है मुझे। मुझे भी नहीं लग रही भैया। ए बाप, आइसक्रीम ही है ना? आओगे पक्का आइसक्रीम ही है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ओए ये कौन सी आइसक्रीम है, ब्लू कलर की होने लगी। ओए फ्लेवर है नूब। ओए तो फ्लेवर तो सही है लेकिन पूरी आइसक्रीम को ही ब्लू कर दिया, यहाँ तक कि उसके कैप को भी। आओ सब कुछ ब्लू है, ब्लू ब्लू आइसक्रीम है। ब्लू भी नहीं है, पता नहीं सारे कलर्स खा गया। ओए आओ तू ज्यादा मत जजमेंट दे मेरे आइसक्रीम पे, मुझे 3 स्टार मिल चुके हैं। लगता है गेम भी पगला चुका है। ओए फोन नहीं, फालतू से आइसक्रीम को 3 स्टार दे रहा है, वो आइसक्रीम भी नहीं लग रही थी। ओए लेकिन भैया चलो, मुझे ये 3 स्टार पक्का देगा। ओए मतलब जब फालतू लोगों को दे रहा है तो तुझे तो दे ही देगा 3 स्टार। ओए ए भैया क्या मतलब मैं फालतू? नहीं मुन्ना, वो बात नहीं है, मैं बात कर रहा था यार, बॉब मुन्ना कुछ टैलेंट नहीं दिखाया, आइसक्रीम पे नाम पे कचरा बना दिया, फिर भी 3 स्टार पा गया। अब वैसे तू तो अच्छा ही बनाएगा तो मुन्ना ऑब्वियस ही बात है 3 स्टार तुझे मिल ही जाएगा। देखते है। क्या मतलब तू मुझे कचरा बोल रहा है? मैंने सुन लिया। वो तो सुना, बिल्कुल बात तूने सही है। अब तू कचरा बनाएगा तो कचरा नहीं बोलेंगे क्या हम लोग? आहो तू बोल रहा है, आगे कहाँ बोल रहा है, आगे कचरा था क्या? हाँ बाप, मैं अभी बेसबॉल बैट बना रहा हूँ तो उसको देखो। आहो आगे बेस्ट लग रहा है। हाँ तेरे कचरे से तो सही है। आहो बहुत देर से कचरा कचरा कर रहा है, ठक ठक करू क्या? और मुन्ना बढ़िया बैठा है। ए भैया अभी इसकी रबिंग तो बाकी है। देख रहा है बाबू, वो रबिंग कर रहा होगी, अभी एकदम मस्त पेंट भी करेगा और उसको सेप भी एकदम बेसबॉल बैट वाला दिया है। तूने क्या किया? तूने कुछ भी नहीं किया इनमें से। ओए आओ तू मेरे ऊपर ही क्यों पड़ा हुआ है? ओए मैं तेरे ऊपर नहीं पड़ा, मैं तेरे पीछे पड़ा हूँ। ओए तो क्यों पड़ा है? ओए क्योंकि तूने पता नहीं तूने बेकार चीज बनाई थी, बस हो गया, मेरे मन में आया और मैंने बोल दिया। तेरे मन को अपने मन में रख, नहीं तो मन की भी ठाक टिके कर दूंगा। ओए मन की कैसे ठाक टिके करेगा, तेरी हो जाएगी तो उसकी भी हो ही जाएगी, फिर मन भी तेरा कहीं लग नहीं पाएगा। हिचका हिचका। ओए चल अब ये फालतू की वाहियात गिरी, जब बोले लगता है ना बाबा तब ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। अच्छी लगे ना लगे लेकिन मेरे चीजों को कचरा कभी मत बोलना, नहीं तो बॉब अगर एंग्री हो गया तो तुझे दिक्कत हो जाएगी। ओए मुन्ना बैट तो काफी अच्छा लग रहा है, कितने में सेल करेगा? ए भैया इट्स नॉट फॉर सेल यार। भैया बस ये मैंने बना दिया जैसे बॉब ने बनाया था। बॉब ने क्या बनाया था? बॉब मुन्ना तू उस चीज को बनाई हुई चीज बोलता है, उसको तो मैं अपने पैरों से बना दूं। ओए आओ चल ठीक है, तेरी बारी आ चुकी है, तू अब बना के देखा क्या बनाएगा। बॉब मैं बनाऊंगा एक ग्लास। आहो ग्लास, कैसा ग्लास? ओए ग्लास का ग्लास बनाऊंगा। आहो ग्लास का ग्लास क्या होता है? ओए रुकेगा तो बॉब, थोड़ा सा टाइम वेट कर लिया कर, जब चीजें बन जाएगी मैं तुझे खुद ही बता दूंगा। आहो पहली बात तो मैं खुद देख ही रहा हूँ। ओए हाँ अब इससे अच्छी क्या ही बात होगी, फिर देख बैठ के। आहो चल ठीक है, वैसे ये है क्या समझ ही नहीं आ रहा, ये कोई लैंप लगता है। ओए लैंप नहीं, कितनी बार बोला मैंने ग्लास बना रहा हूँ मैं, लेकिन ये ग्लास किसी एंगल से नहीं लग रहा। ओए अभी मैं इसका एंगल सही कर रहा हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहा है? ओए आओ तो जल्दी कर। ओए बाप मुझे चीजें थोड़ा सा टाइम लेके बना दे, मैं तेरी तरह नहीं हूँ कुछ भी बना दूंगा। ओए ये बाप ग्लास का सवाल है और एकदम प्रीमियम दिखना भी चाहिए। अब ग्लास वाला कब से प्रीमियम दिखने लगा?
ओ ये मेरा वाला ग्लास बाप दिखेगा जरूर। ओए आओ ठीक है, ये तो कांच का नहीं लग रहा है। ओए बाप हम लोग यहाँ पे वुड टर्निंग 3D खेल रहे हैं, सारी चीजें वुड में टर्न करनी है। ओए आओ ठीक है मैं देख ही रहा हूँ, वैसे मैं पॉलिश वॉलिश करेगा कि नहीं ताकि ये चमक जाए। ओए पॉलिश भी होगी बाप, अभी सबसे पहले इसकी रबिंग होगी, रबिंग के बाद इसकी फिनिशिंग होगी। ओए आओ रबिंग के बाद फिनिशिंग, पेंटिंग कब होगी? ओए पेंटिंग भी हो ही जाएगी, रुक जा पहले इसकी रबिंग तो कर लेंदे। ओए आओ ये तो चमकने लगा, ओए इसलिए तो बाप रबिंग की जाती है। पेंटिंग देखना अभी देख, मैं इस पे पेंट करता हूँ। ओए पेंट वैसे मैं तो कहता हूँ कोई ग्लास वाला कलर ही रखना। ओए ग्लास ही वाला रखूंगा, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओए आओ ये तो कोई ग्लास का कलर नहीं लगता है। ओए ये ग्लास ही का कलर है नूब, अब मेरे पास कोई येलो कलर भी नहीं है। ओए रेड कर देता क्या दिक्कत होती। ओए रेड ग्लास का कलर बाप रेड नहीं होता है। ओ कलरफुल भी तो ग्लास बना सकते हैं ना। हाँ बना सकते हैं, रुक जा ये ले, नीचे वाले पोर्शन में ब्लू कर दे रहा हूँ, अच्छा लगेगा। ओह डिजाइन भी बनाना। ओए तू मुझे कितना ऑर्डर क्यों दे रहा है, अपने वाले में डिजाइन बनाया करना, अपने वाले में तो हवाई आइसक्रीम बना के रख देता है। ओह ठीक है ना, लेकिन मैं अगली बार जो आइसक्रीम बनाऊंगा बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाऊंगा। ए आप लोग की आइसक्रीम हो गई हो तो भैया आप ग्लास भी बना लो। मुन्ना ग्लास बन गया, बस ये डिजाइन दे रहा हूँ, ये कैसा है ये नहीं सही लग रहा। अरे ये कैसा कैसा डिजाइन है, रुक जा ये हाँ ये सही लग रहा है, हाँ ये सही लग रहा है। चलो ग्लास बन गया, एकदम चमकदार ग्लास, और वो भी 3-स्टार रेटिंग के साथ। मैंने बोला था ना मैं चीजें हमेशा बेस्ट ही बनाता हूँ, मुझे भी 3-स्टार रेटिंग मिली थी पता नहीं क्यों। ओए हाँ वही तो मैं भी अभी तक सोच रहा हूँ बाप, तुझे क्यों मिली थी पता नहीं क्यों। ओए आहो मैंने अच्छा बनाया था इसीलिए। चलो अभी मेरी बारी, यह क्या दे दिया गया है? ए बाप ये तो ये कैंडल है। आहो कैंडल, चलो इस बार कैंडल में एकदम बेस्ट तरीके से बनाऊंगा, डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ओए हाँ देखते हैं बाप, मुझे नहीं लगता तुझे इस ब्लेड का इस्तेमाल करना चाहिए। आहो क्यों सही तो है। ओए बाप तू कर वाला करता कम से कम कैंडल का अच्छा शेप आता। नहीं ऐसे भी आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओए नहीं आएगा मैं बोल रहा हूँ ना, आ जाएगा ठीक है। ओहो ये देखो आया ना, हाँ ठीक ही लग रहा है बाबा। ओहो फिर से टचअप दे दूँ क्या? और जो भी देना हो जल्दी दे दे बाबा। ओहो क्यों तुझे कहीं जाना है क्या? है बाबा वैसे सही बना है। चलो इस पे थोड़ा सा यहाँ पे रबिंग कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। आओ अभी बस रबिंग ही कर रहा हूँ, ये रबिंग है। ओए जल्दी जल्दी रबिंग कर, तुझे कहीं जाना है क्या? मैंने तुझे कितनी बार बोला। ओए नहीं मुझे कहाँ जाना है। ठीक है आराम से रबिंग कर, वही तो आराम से धीरे धीरे रबिंग करनी है। चलो रबिंग कंप्लीट हो गई, इसे लाइट अप भी करना है। ओए लाइट अप करेगा तो पूरी वुड यहाँ पे जल जाएगी बाबा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चीजें वुड की बना रहे हैं। मजाक कर रहा था, लेकिन मैं इसे एकदम ऐसा बनाऊंगा कि एकदम ग्लो ग्लो लगेगी। ग्लो ग्लो लगेगी क्या मतलब है? मतलब ऑलरेडी लाइट अप ही लगेगी। ओए मतलब ऑलरेडी लाइट अप भी लगेगी। ओ तू नहीं समझेगा, जब समझाएगा तब ना मुन्ना तुझे समझ में आएगा ये क्या बोल रहा है। भैया मैं तो देख रहा हूँ इसका डिजाइन काफी मस्त बना है। चलो अब 3-स्टार मिल गया, कांग्रेट्स यार। शुक्रिया ओके, मैंने बोला था ना मैं 3-स्टार डिजर्व करता हूँ। ओए तू नहीं करता है, तू ज्यादा मत बोल। वैसे ओके तुम्हें क्या दिया गया है? ए देखो अनदर आइसक्रीम। ओए मुन्ना तुझे आइसक्रीम दे दी गई। मुझे भरोसा है तू बाप से अच्छी आइसक्रीम बनाएगा। ओहो कितनी बार बोला, वो फर्स्ट टाइम आइसक्रीम बना रहा था, ठीक से थोड़ा सा फ्लेवर्स बिगड़ गए थे, फ्लेवर्स नहीं पूरी पूरी आइसक्रीम ही बिगड़ गई थी। ओए और उसका स्ट्रक्चर ही बाबा। ओहो ठीक है अगली बार सही कर दूंगा। अगली बार क्या हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम ही बनाते रह जाएंगे क्या? ए भैया यार मैं बना रहा हूँ आइसक्रीम देखो ना। ओए हाँ ये तो बेस्ट आइसक्रीम लग रही है। अभी मुन्ना इसमें ऐसा करना कि पेंट वगैरह ठीक से करना, नहीं तो मुन्ना अगर आइसक्रीम में कलर्स वाले फ्लेवर नहीं रहे ना तो फिर वो आइसक्रीम नहीं लगती। ए भैया आप टेंशन मत लो, मैं इसे बेस्ट तरीके से बनाऊंगा। और भैया मैं इसे आज बनाऊंगा ऑरेंज फ्लेवर वाली आइसक्रीम। ओए ऑरेंज फ्लेवर, हाँ वैसे ऑरेंज फ्लेवर काइंड ऑफ सही रहता है। ए भैया आपने कभी ऑरेंज फ्लेवर की आइसक्रीम खाई है? ओए बहुत बार खाई है। ओए बाप तूने खाई है क्या? ओ हाँ मैंने भी कई बार खाई है, लेकिन ओके मैं तो कहता हूँ नीचे वाला पार्ट कोई दूसरा फ्लेवर रखो। ओए उसमें फ्लेवर नहीं होता है बाबा। ओ लेकिन कलर तो होता है ना? हाँ बाप कलर तो होता है, मैंने पहले से सोच रखा है कि मुझे उसमें कौन सा कलर करना है।
ओए मन्ना, मैं तो कहता हूँ कि ब्लू कर दे। नहीं भैया ब्लू नहीं, ये पर्पल सही लगेगा। ओए हाँ अच्छा, ये कलर भी हमारे पास, ओए तो और भी बेस्ट लगेगा। हाँ भैया बेस्ट है, लुक क्या रहा है। ओए हाँ, ओए लेकिन मन्ना ऊपर का कलर सारी चीजें मिक्स हो गई। अरे रुको ना भैया, कैसे कैसे मिक्स हो जाएगी। वैसे भैया ये भी सही लग रहा है यार। ओए ये डिजाइन तो काफी मस्त लग रहा है। क्या बात है मन्ना, क्या आइसक्रीम बनाई है। बोला था ना भैया मैं आइसक्रीम बेस्ट बनाता हूँ। है मुन्ना तो आइसक्रीम शॉप क्यों नहीं खोल लेता। अरे भैया चलो मजाक मस्ती छोड़ो। वैसे गाइस यार आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टिल देन टेक केयर, बाय बाय।